तो देखो बहुत बार क्या होता है, हम डिफरेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के जो सिलेबस होते हैं उनको कंपेयर करते हैं ये जानने के लिए कि क्या उनकी ट्रेनिंग में ज़्यादा ट्रेनिंग मिल रही है, कम ट्रेनिंग मिल रही है, या क्या पॉइंट्स हैं और क्या टॉपिक्स नहीं हैं। तो मैं एक लॉजिक बताऊँ, कॉमन लॉजिक है कि जो सिलेबस होता है ना तो उसको बहुत तरीके से लिखा जाता है। कोई सिलेबस को डिटेल में लिखता है, कोई सिलेबस को डिटेल में नहीं लिखता है। तो सिलेबस के बेस पे आप ये जज नहीं कर सकते कि वो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अच्छा है कि बुरा है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जो सिखाने वाला है आपको, वो आपको कैसे पढ़ा रहा है, वो आपको गाइड कर रहा है कि नहीं, वो आपके क्वेश्चंस को रिजॉल्व कर रहा है कि नहीं, वो जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और वो कैसे व्यक्ति है वो भी मैटर करता है, क्योंकि क्या होता है कि आज के टाइम पे सिलेबस एक स्ट्रक्चर हो गया है, एक फॉर्मेट हो गया है। जैसे कि आपने स्कूल और कॉलेज में, स्पेशली कॉलेज में, आपने देखा होगा जो इंडेक्स सेक्शन होता है और फिर जो टीचर आपको पढ़ाते हैं, तो जो बुक होती है उसमें तो सब कुछ लिखा रहता है इंडेक्स सेक्शन में, ये टॉपिक है, बड़े ही सुंदर तरीके से लिखा रहता है। लेकिन टीचर के ऊपर डिपेंड करता है कि जो इंडेक्स सेक्शन में लिखा है वो उसको जस्टिफाई कर पा रहे कि नहीं, उसको पढ़ा पा रहे कि नहीं। तो सिलेबस में कम टॉपिक होना, ज्यादा टॉपिक होने से ये प्रूफ नहीं होता कि वहां पे आपको कम नॉलेज मिलेगा या ज्यादा मिलेगा, डिपेंड करता है आपको पढ़ाने कौन वाला है। अगर आपके टीचर अच्छे नहीं है, वो आपको अच्छे से नहीं पढ़ा रहे, तो आपको नॉलेज उतना ही मिलने वाला है जितना मिलने वाला है। वो आपको अच्छे से पढ़ा रहे तो आपके लिए थोड़ी जर्नी ईजी हो जाएगी, आपको थोड़ा सा गाइडेंस भी मिल जाएगा उनकी तरफ से। तो मेरा आज का वीडियो इसी की तरफ से था कि कभी भी सिलेबस के कंपेयर करके ये जज मत करना कि वो इंस्टीट्यूट अच्छा है या बुरा है। ये टोटली डिपेंड करता है आपके ट्रेनर के ऊपर, कौन व्यक्ति आपको ट्रेन करने वाला है और क्या आपको एंड तक गाइडेंस देगा कि नहीं, ये चीज़ें जानना आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि मैं मानता हूँ मेरे हिसाब से कि सिलेबस देख के एक स्टूडेंट को ज़्यादा से ज़्यादा क्या पता चलेगा, टॉपिक, लेकिन क्या सिलेबस से आप लॉजिकली सोचो ये जज कर सकते हो कि वो कैसा पढ़ाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। और अगर आप फ्रेशर हो टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में या मतलब जिस भी चीज़ को सीखने जा रहे हो, तो शायद वो टॉपिक भी आपको पता ना चले, वो सिर्फ आपके लिए कैरेक्टर्स के समान होंगे, लेटर्स, ठीक है, कुछ चीज़ें लिखी होंगी, आप उन चीज़ों को पढ़ रहे हो, दैट्स ऑल, ठीक है। अगर आपको नॉलेज होगा तो शायद आप रिलेट कर पाओगे, नहीं नॉलेज होगा तो ज़्यादा पढ़ पाओगे, यही चीज़ होगा। तो इंस्टेड ऑफ दैट, नोइंग योर सिलेबस, नो योर ट्रेनर एज वेल, फिर उनसे आप बेसिकली पूछ लो कि वो क्या क्या आपको पढ़ाने वाले हैं, और फिर उनसे सिलेबस भी मांगना है तो मांग सकते हो ऐसे ही रेफरेंस के लिए। बट मोस्ट प्रॉब्ली टॉकिंग योर ट्रेनर, टॉकिंग टू योर ट्रेनर, आपको कौन पढ़ाने वाला है उनसे आप क्वेश्चंस करो, ठीक है, सीखने को लेके कितना टाइम लगेगा, आप मुझे कैसे हेल्प करेंगे, क्या डिफिकल्टीज होती हैं, क्या सैलरीज होती हैं, या जो भी एक्स वाई जेड क्वेश्चन है आप उनकी लिस्ट बनाओ, ठीक है। पहले ही किसी भी इंस्टीट्यूट में किसी भी ट्रेनर से बात करने से पहले आप लिस्ट क्वेश्चन अपने बना लो, उसके बाद उनसे जब कनेक्ट करो तो सारे क्वेश्चंस उनसे पूछो। आप ऐसा, अगर आपको कंफ्यूजिंग लग रहा है तो आप 10-15 ट्रेनर से बात करो, या जो भी आपको ट्रेन करने वाले या जो भी इंस्टीट्यूट है उनसे बात करो। उनसे बात करने पे अपने आप आपको पता चल जाएगा कि आपके जो सवाल थे किसने आपके सवालों के कैसे जवाब दिए। एंड खास करके ट्रेनर से बात करोगे तो शायद आपको ज्यादा डीप में पता चलेगा। एंड ये एक और चीज़ है कि गाइस देखो, आपसे अगर पहले कॉल पे उन्होंने अच्छे से बात कर ली, वो ये भी जस्टिफाई नहीं करता कि वो बहुत अच्छे से ट्रेनिंग देंगे। तो हाँ, दूसरी चीज़ ये भी होता है कि अगर उनके कोई प्रीवियस स्टूडेंट है उनसे भी कनेक्ट करके जान सकते हो कि एटलीस्ट वो ट्रेनिंग कैसे देते हैं, ठीक है। प्लेसमेंट तो जैसे मैंने बार बार बताया कि प्लेसमेंट एक तरह का स्कैम होता है, आपको ग्रैब करने के लिए बोला जाता है, ठीक है, किसी भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में, ताकि आप वहाँ पे पढ़ना स्टार्ट कर दो, आप वहाँ पे एनरोल कर दो। बेसिकली आपका जो टास्क होता है वो आपको ये जानना कि वहाँ से आपको अच्छी नॉलेज मिलेगी कि नहीं और गाइडेंस मिलेगी कि नहीं, बस ये जान लो और वहाँ से ट्रेनिंग ले सकते हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, क्लिनिकल साइंस हो या कोई भी रोल हो। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।